गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। एक और संडे यानी कि एक और स्पोर्ट्स बस्टर यानी कि एक बार और आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स की खबरों के साथ साथ टूर्नामेंट का कुछ हाल चाल। इस पिछले हफ्ते अगर बात करी जाए तो ओलंपिक तो मैंने आपको बता दिया शुरू हो चुके हैं। मीराबाई चानू ने हमको सिल्वर भी दिला दिया है। इंडिया की वुमेन्स का हॉकी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। मेंस जो है वो क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगा, अब भिड़ेगा या भिड़ चुका है मुझे थोड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैंने पढ़ा था पीवी सिंधु ने दो मैचेस जीत के अगले राउंड में क्वालिफाई कर लिया है। दीपिका कुमारी लूज़ कर गई, तो मनिका बत्रा भी शायद बाहर हो गई। तो मतलब ऑल इन ऑल हमको कुछ अच्छी खबर तो सुनने को ओलंपिक से नहीं मिल रही अभी तक के लिए। हाँ, मेडल के मामले में नहीं मिल रही है, मैचेस के मामले में ठीक है मिल रही है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो भैया कृणाल पांड्या कोविड पॉजिटिव हुए, मैच अबेंडेंड हुआ, नेक्स्ट डे हुआ। इसके अलावा 82 पर पूरी टीम 20 ओवर में 7-8 विकेट पर सिमट गई। तो मतलब श्रीलंका के साथ अगर आप 82 बना रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ तो 36 जस्टिफाई लगते हैं, वो भी टेस्ट मैच में। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी मेरे से किसी बंदे ने आर्गुमेंट किया कि भैया देखिए, इंडिया की वो बच्चों वाली टीम है, मतलब यंग इंडिया है, वो मेन इंडिया नहीं है। बात तो सही है, बट यंग इंडिया ही आगे चल करके सीनियर इंडिया बनती है। फिर कहते हैं वो भाई साहब कि राहुल द्रविड़ इंडियन कोच है। तो भाई राहुल द्रविड़ तो द वॉल कहा जाते हैं, नंबर 3 पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की मुझे सुनने में आ रहा है सीरीज आने वाली है। मैंने दिमाग ये आया, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की लगभग ख़त्म हो चुकी है, इंडिया इंग्लैंड की शुरू होने वाली है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की चल रही है। फुटबॉल में फ्रेंडली मैचेस शुरू हो गए हैं, फ्रेंडली इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं दूसरे दूसरे क्लबों से खेलते हैं तो वो शुरू हो गए। तो मतलब कुल मिला करके स्पोर्ट्स में धमाका चल रहा है, मगर मेन इवेंट तो हमारा ओलंपिक है। बट पहले दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए सही हम ओलंपिक में टॉप 3 रेस पर तो आए, ये एक हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। बट मैं ये सोच रहा हूँ हॉकी जैसा गेम जिसमें हम ओलंपिक में गोल्ड लाते थे, उसको ना आजकल इतनी पब्लिसिटी मिलती है, ना प्रमोशंस मिलते हैं, ना इन्वेस्टर्स मिलते हैं। तो फिर कैसे हम हॉकी को अपना नेशनल गेम मानते हैं और हॉकी को कैसे हम जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, क्रिकेट तो ओलंपिक में नहीं है, ओलंपिक में हॉकी है, तो हमें क्रिकेट पे ना जोर डाल करके हॉकी पे जोर डालना चाहिए, बट वो होता नहीं है। हाँ, ऑल्दो ये बात आपकी सही है कि RTI लगाने के बाद तो हमको ये पता लगा हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है भी नहीं। अब क्या ही किया जाए। चलिए, फिलहाल हम आपको बता दें कि एक और टूर्नामेंट शुरू हो गया है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हंड्रेड्स, द हंड्रेड्स, जिसमें वुमेन्स और मेंस दोनों के टूर्नामेंट एक साथ शुरू हुए हैं, मैचेस के शेड्यूल भी एक साथ हैं। एंड स्कोर तो अभी तक कोई खास नहीं मैंने देखा था, 130, 140, 130, 140 के आसपास जा रहा है। और सेकेंड जनता है देखने के लिए, ये अच्छी बात है कि जनता को फुल मौका मिल रहा है मैचेस देखने का। फैन कोड ने ख़रीदा हुआ है वुमेन्स राइट, बट मेंस राइट किसने ख़रीदे ये मुझे अभी तक पता नहीं लग पाया। ऑल्दो मैंने देखा भी नहीं है टूर्नामेंट, मैंने कुछ एक दो मैचेस की हाइलाइट्स वगैरह देखी थी, जो उनका स्कोर कार्ड है वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से आता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। रूल्स जो मैंने आपको बताए थे वो थोड़े से चेंजेस है कि आप एक दो एंड पहले होते थे ना, 6 बॉलों के बाद एक ओवर हो जाता था, एंड चेंज हो जाता था। अब ऐसा है कि एक बॉलर एक बार में 5 बॉलें तो फेंक सकता है, ठीक है, मगर उसकी अगर फिर बॉलें बच जाएं तो जैसे अब वो पूरे मैच में 20 गेंदें फेंक सकता है, बट एक बार में वो 5 गेंदें मैक्सिमम फेंक सकता है, और एंड चेंज होता है अब 10 बॉलों के बाद। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग वाला क्रिकेट है द हंड्रेड्स। अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है कि नहीं, क्योंकि एक समय आपको याद होगा डबल इनिंग वाला ODI आया था, डबल इनिंग वाला ODI ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट भी हुआ था, मुझे पर्सनली कुछ पसंद भी आया था, बट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ पाया। यहाँ तक कि 3-3 क्रिकेट भी आया था जो साउथ अफ्रीका ने खेला, 3-3 क्रिकेट, 3 टीम वाला क्रिकेट, वो भी मुझे पसंद आया था, बट वो भी अभी तक उस पर भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। द हंड्रेड चल रहा है, अगर आपको एंजॉय करना तो आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑल द कपड़े तो भैया चटक पटक वाले होते हैं उस टूर्नामेंट में, और क्या ही बताया। चलिए फिलहाल, अच्छा मैं देख पा रहा हूँ, मैं कुछ देख पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये है
15th मैच। अच्छा, तमिलनाडु की भी क्रिकेट सीरीज़ चल रही है, आपको बता दूँ। अगर इंडियन डोमेस्टिक में अगर आप नज़र रखते हैं और इंडियन डोमेस्टिक को देखना पसंद करते हैं, तो आपको ये बता दूँ कि तमिलनाडु की चल रही है। अच्छा, मैंने आपको काउंटी चैम्पियनशिप बताया था कि ख़त्म हो गया है, बट वो ख़त्म नहीं हो गया है, वो ऑल्दो अभी और चल रहा है। हम अगर इसी काउंटी चैम्पियनशिप पे ही नज़र डाल रहे हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ये काउंटी चैम्पियनशिप लास्ट टाइम मुझे दिखा रहा था कि ये ख़त्म हो गई है, बट आज मुझे ये काउंटी चैम्पियनशिप दिखा रहा है कि अभी मैचेस फिर से शुरू हो गए हैं, और ये मैचेस शुरू होंगे 30 अगस्त से। और वो इसलिए होंगे क्योंकि अभी द हंड्रेड्स चल रही है, इसलिए उसको रोका गया है, होल्ड पर रखा गया है, और ये मैचेस अब जाके ख़त्म होंगे 21 सितंबर को। तो चलिए, हमारे पास बहुत टाइम है इनके लिए, ये टूर्नामेंट हम ख़त्म कर ही देंगे। तब तक हमें और भी टूर्नामेंट्स पर नज़र डालनी है। तो हम जो थे, आपको बता देते हैं, 29 माह अप्रैल हो गया था, और अब हमको करना था 6 मई। तो चलिए, सबसे पहले मैच पर नज़र डालते हैं इस टूर्नामेंट के आज के दिन के, वो है नॉर्थ हैम्पशायर वर्सेस एसेक्स के बीच खेला गया ये मैच। तो देखिए, ये जो टूर्नामेंट जो है, ये मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड के काफ़ी सारे खिलाड़ी आते हैं, और काफ़ी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है, और यहाँ सीखते भी हैं, एक्सपोजर भी आपको बहुत मिलता है यहाँ से। तो भाई, मगर नुकसान तो ये हो गया है कि एसेक्स 99 पर 41 ओवर में धराशायी हो गया। इसमें से भी हाईएस्ट में बताऊँ तो 53 रन बनते हैं, और वो बनते हैं निक ब्राउने के, जिन्होंने बनाए हैं 112 बॉल में 9 चौकों की मदद से। मतलब उसके बाद अगर टीम की हाल में देखूँ तो एक डबल्स में है, एक डक है, एक सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डक डक डक, तो मतलब समझ सकते हैं आप, बाकी टीम ख़त्म ही हो गई। दान की बात करें तो दान में मिले हैं इनको कुछ नहीं, 9 के 9 आलस के रन हैं जी हाँ। बस बॉलिंग की तरफ नज़र डाल लेते हैं फटाफट से। तो है आती है बॉलिंग, 16 ओवर 7 मिनट 24 रन 6 विकेट, और यह है फ्लेचर, एल फ्लेचर, ठीक है। बात करते हैं दूसरी इनिंग, और यह है नॉर्थ हैम्पशायर की, 323 पर ऑल आउट होगा, ये 86 ओवर का खेल उन्होंने खेला। ओपनर्स ने दोनों निराश किया है, एक ने 40s में बनाए हैं जो 50 नहीं कन्वर्ट कर पाए, चूक गए, और एक ने डबल्स में, फिर था फर्स्ट डाउन, फिर निराश, डक, फिर मिडिल ऑर्डर्स में से एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी और एक डबल डिजिट स्कोर है। तो जो हाफ सेंचुरी है वो तो कमाल ही है, वही हमारा हाईएस्ट होगा, फिर भी बता देता हूँ, एक डक है, फिर एक 20s में है, फिर एक 40s में है, फिर सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट में स्कोर है। तो हाईएस्ट 117 बनते हैं इनकी इनिंग से, 160 बॉल में 20 चौकों की मदद से, और ये बनते हैं, एक सेकेंड, इनका नाम है स्टीवन मुलेनी, मुलेनी, ठीक है। बात करते हैं दान की, तो दान में कुछ नहीं मिला है, आलस के रन हैं 11। बेस्ट बॉलिंग पे नज़र डालते हैं तो भाई, एक एक जानदार बॉलर, 26 ओवर 6 मिनट 98 रन 7 विकेट, और यह है सेनेटर की बॉलिंग। मैच की आखिरी इनिंग, नहीं तीसरी इनिंग सॉरी, और मैच की आखिरी इनिंग भी इसे कह सकते हैं, एसएक्स 194 पर ऑल आउट हो गई 85.2 ओवर में। एक बार फिर एक उसी ओपनर ने कमाल किया, हाफ सेंचुरी बनाई, दूसरे ओपनर ने 30s में बनाया स्कोर, उसके बाद फिर टीम का बंटाधार हो गया, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 30s, 20s, डक डक, डबल डिजिट और सिंगल डिजिट। हाईएस्ट बनते हैं 64, जैसा मैंने बनाया, 197 बॉल में 7 चौकों की मदद से, और ये हैं एक बार फिर निक ब्राउने। बात कर लेते हैं दान की, तो कुछ नहीं मिला दान में, 13 रन आलस के मिले। बेस्ट बॉलिंग की नज़र डालें तो बात आती है 20 ओवर 6 मिनट 51 रन और 4 विकेट, और ये है लंडन जेम्स, इनका नाम है। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो एक इनिंग नॉर्थ हैम्पशायर ने वन बाय इनिंग एंड 30 रनों से जीत लिया। मतलब इतना ही ख़राब परफॉर्मेंस था एसेक्स का, जिससे मैं उम्मीद लगा के बैठा था। खैर, अब क्या ही किया जाए। फटाफट से बढ़ जाते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ, और ये हैम्पशायर का मैच है, सॉमरसेट के बीच खेला गया ये मैच है। तो
हैम्पशायर ने बनाए 79 रन, मात्र 79 रन, 40.3 ओवर में पूरी टीम थराशाई हो गई। एक और खराब परफॉर्मेंस। ओपनर्स ने फिर निराश किया, एक 20s और एक सिंगल डिजिट। फर्स्ट डाउन से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक सब कुछ खराब है। सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट डक, डबल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट डक, मतलब ऐसा लग रहा था मैं रिदम कर रहा हूँ। खैर, 3 के 3 जो है वो आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नज़र डाल लेंगे अगर तो, मुझे नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर फिर भी कलर 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है, एक रन आउट हुआ है। मगर बेस्ट बॉलिंग 10 कुछ ओवर, 6 मिडिन, 26 रन और 4 विकेट लिए हैं ग्रिज रॉय ने। भाई ग्रिज रॉय तो कमाल है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते भी हैं। अगली इनिंग आती है सोमरसेट की, तो 336 पर ऑल आउट हुई है, 99 ओवर्स खेले हैं। ओपनर ने ऑल दो निराश किया है, एक डबल डिजिट है और एक अंडा खाया है। फर्स्ट डाउन ने अच्छा किया है, 50 मारी है, फिर डबल डिजिट है, फिर 20s है, फिर 20s है, फिर 30s है, फिर 30s है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर एक 30s है, फिर सिंगल डिजिट है। तो जो हाफ सेंचुरी मैंने दो बताई, इसमें से हाईएस्ट 74 बनते हैं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। जी हाँ जी, 74 हाईएस्ट बनते हैं, 10 रन का इजाफा हो से बाजी मारी है। 93 कुछ नहीं होता है, 10 चौके मारे हैं और ये है क्रेग ओवरटन की बैटिंग, ये तो अच्छे खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं, दान में मिले हैं 4 रन बाकी नो बॉल के, बाकी 15 में से बाकी बचते हैं 11 जो हैं आलस के। अब बॉलिंग की तरफ नज़र डाल लेते हैं तो मुझे नज़र आ रहे हैं 24 ओवर 5 मिनट, 67 रन, 4 विकेट और ये हैं बार्कर की बॉलिंग। फिर से बात कर लेते हैं नॉर्थहैम्पशायर की सेकेंड इनिंग की और मैच की तीसरी इनिंग, 258 पर ऑल आउट हो गए, 131 ओवर खेले हैं। एक बार फिर ओपनर्स ने निराश किया है, 40s और सिंगल डबल डिजिट में स्कोर किया, फिर फर्स्ट डाउन 30s, फिर डक, फिर सिंगल डिजिट, फिर 40s, फिर डक, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर कहीं लोअर डाउन में एक हाफ सेंचुरी आई है और फिर एक डक है। तो जो हाईएस्ट है वो है 52, 95 बॉल्स में 8 चौकों की मदद से। ये नॉट आउट है, ब्रेकर की बैटिंग है, इनकी बॉलिंग भी बढ़िया हुई थी, बैटिंग भी बढ़िया हुई है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया इन्होंने अपनी टीम के लिए। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो दो बॉलर जिन्होंने पूरी टीम को समेट दिया। इकॉनमी से बात करेंगे तो बात आती है 24 ओवर 10 मिडिन, 30 रन और 5 विकेट और ये है डीवे की बॉलिंग। मैच की चौथी इनिंग और आखिरी इनिंग, 2 रन बना लिए एक बॉल पे और इस तरह से ये मैच जो है वो बड़े शानदार 10 विकेट से जीत दिया। सर, 2 रन बनाने के लिए आपने टीम को उतारवा दिया, पैड वैड पहनवा दिए दोनों ओपनर्स को, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये मैच भी होता है खत्म। अब बढ़ते हैं हम अगले मैच की तरफ और ये है ससेक्स का मैच। ससेक्स खेल रहा है नॉर्थहैम्पशायर के साथ, तो ठीक है, ससेक्स ने बैटिंग करी 106 पर ऑल आउट, 42.2 ओवर। ओपनर ने बहुत ज़्यादा निराश किया है, सिंगल डिजिट डक और फर्स्ट डाउन भी सिंगल डिजिट, सेकंड डाउन भी सिंगल डिजिट, फिर तो सिंगल डिजिट, फिर डक, फिर डक, फिर एक 40s में स्कोर है, फिर एक 20s में है, फिर सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में है, फिर एक डक है। हाईस्ट बनते हैं 49 रन, 92 बॉल में 4 चौकों की मदद से। ओली रॉबिनसन की ये बैटिंग है नॉट आउट, ये भी आपको इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, आ रहे हैं आप कह सकते हैं। 3 रन में से 3 के 3 आलस के रन हैं। बॉलिंग की तरफ नज़र डालेंगे, एक बार फिर दोनों बॉलरों ने मिलकर पूरी टीम को समेटा है। बट इकॉनमी से बात करेंगे तो 13 ओवर 5 मिनट, 18 रन देकर के 5 विकेट हैं, बर्ग ने विकेट लिए हैं, बर्ग ने बैक कर लिए 5 विकेट अपनी झोली में। ओके ठीक है, नॉर्थहैम्पशायर 441 पर नॉट डिक्लेयर किया है 102 ओवर में। ऑल दो ओपनर्स ने निराश किया है, एक तो अंडा और एक सिंगल डिजिट। फर्स्ट डाउन में निराश ही एक तरह से है, 20s में स्कोर है, फिर एक सेकेंड डाउन में हाफ सेंचुरी है, फिर एक डबल डिजिट स्कोर है, फिर कहीं मिडिल ऑर्डर में एक सेंचुरी है जो कि अच्छा लगा, एक और हाफ सेंचुरी देखी, एक 40s में स्कोर दिखा, फिर एक डक है, फिर एक 30s है, फिर एक सिंगल डिजिट है। तो कुल मिलाकर हमारे पास हाईएस्ट बनता है 135, 202 बॉल में 15 चौकों की मदद से और यह है सैफ जेब की बैटिंग। दात करते हैं दान की, तो 10 नो बॉल के मिले हैं, बाकी बस 15 जो हैं वो आलस के हैं, टोटल बनते हैं 25 रन। एक्स्ट्राज में ठीक है, बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो वो मुझे नज़र आ रहा है 26 ओवर 7 मिनट 58 रन और 5 विकेट लेने वाले
ऑली रॉबिन्सन की बॉलिंग। मैच की चौथी इनिंग और दूसरी इनिंग ससेक्स की 215 बनाए 63.2 ओवर खेल खेला। ओपनर ने फिर निराश किया, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, फर्स्ट डाउन ने 50 मारी, अच्छा लगा, फिर सिंगल डिजिट फिर डबल डिजिट फिर 30s फिर डार्क फिर 20s फिर सिंगल डिजिट फिर डबल डिजिट फिर सिंगल डिजिट। तो कुल मिला करके 72 इज़ हाईएस्ट 123 बॉल में 11 चौकों की मदद से, और ये जायल की बॉलिंग बैटिंग है। बात करते हैं 12, तो 12 में से 2 हैं नो बॉल के, यानी कि 2 हैं दान के, 10 हैं आलस के, कुल मिलाकर 12 एक्स्ट्रास बन जाते हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, 22 ओवर 5 मिनट 71 रन 5 विकेट, और ये हैं बेन सैंडरसन की बॉलिंग। इनका नाम मैंने सुना हुआ है, अगर आपने नहीं सुना है तो क्रिकेट आप बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। फिलहाल जो मैंने बताया था 216 रन वो थे, 215 रन वो थे, 215 पर टीम ऑल आउट हो गई थी, और इस तरीके से एक इनिंग और 120 रनों से ये नॉर्थ हैम्पशायर ने मैच अपनी झोली में कर लिया। ये थोड़ा सा ना मतलब एक इनिंग से जो मैच जीत जाते हैं तो बड़ा निराशा हाथ लगती है। खैर अगला मैच जो है वो है लंकाशायर का मैच है ग्लैमॉर्गन के साथ। तो भाई अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि लंकाशायर जो है वो मेरी फेवरेट टीम है, और मुझे बड़ा पसंद आती थी जब EA स्पोर्ट्स आता था तो मैं अब लंकाशायर ही चूज़ करता था। खैर तो बात करते हैं अब मैच की, ग्लैमॉर्गन 344 पर ऑल आउट हो गई 109.5 ओवर का खेल खेला। ओपनर्स में से एक ओपनर ने तो अच्छा परफॉर्म किया, 50 मारी है, एक ने निराश किया, डबल डिजिट फिर डबल डिजिट फिर डबल डिजिट फिर डबल डिजिट फिर 30s फिर एक हाफ सेंचुरी फिर एक हाफ सेंचुरी और फिर एक डबल डिजिट और फिर एक सिंगल डिजिट और फिर एक डबल फिर 20s है। तो कुल मिलाकर हाईएस्ट बनते हैं 78 129 बॉल में 12 चौकों की मदद से, और ये डेविड लॉयड की बॉलिंग बैटिंग है। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि यही हाईएस्ट स्कोर है, जी हाँ यही हाईएस्ट स्कोर है। बात करते हैं अगर तो नो बॉल के 8 मिले हैं और इस दान की मतलब दान के, और 11 मिले हैं टोटल जिसमें से बचते हैं 3 जो कि बनते हैं आलस के रन। बात कर लेते हैं बेस्ट बॉलिंग की, तो मुझे जो नज़र आ रहे हैं दो बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं, बट इकॉनमी के हिसाब से 24 ओवर 10 मिनट 40 रन देकर के ही मान आती है जेम्स एंडरसन। यस जेम्स एंडरसन को भी मौका मिल गया, काउंटी क्रिकेट खेलने का फुर्सत मिल गई, अच्छी बात है। लंकाशायर 301 पर 9 94.3 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स ने एक ने तो अच्छा खेला है 50 और एक ने निराश किया है डबल डिजिट फिर 30 फिर एक 50 है फिर एक डबल 20s है 20s है 20s है 20s है सिंगल डिजिट है डबल डिजिट है और सिंगल डिजिट है। 50s जो दो दिख रही हैं उसमें ओपनर की हाईएस्ट है, 11 रन से बाजी मारी उन्होंने 64 रन 174 बॉल में और 5 चौकों की मदद से, और ये हैं जेमिंग्स, जेमिंग्स की बैटिंग है, ये भी खेलते नज़र आते हैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में। दान के तो कुछ नहीं मिला है, यानी कि 9 के 9 जो है वो आलस के रन इनको मिल पाए हैं। बॉलिंग की तरफ रुख करते हैं तो 3 बॉलर जिन्होंने 2-2-2 विकेट लिए हैं 2-2-2 इकॉनमी के हिसाब से गल करांगे असी गल करांगे तो मैनू नज़र आ रहे थे एक बॉलर ओ बॉलर हैगा कि 22 ओवर फेंके 8 मेडे ने 50 रन दिए, और ये है माइकल नेसर की बॉलिंग। ठीक है तो इस तरीके से ये मैच जो है वो डरा हो गया, डरा क्योंकि इस मैच में सिर्फ 2 ही इनिंगा हो पाइया बस, और मैच जो होगा वो ड्रा हो गया, ड्रा यानी जल्दी ड्रा हो गया। ज़रूर बारिश हुई होगी, ज़रूर बारिश हुई होगी, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ओके जी नहीं ओके ये बता रहे हैं लंकाशायर के पास 14 पॉइंट्स हैं और ग्लैमॉर्गन के पास हो गए हैं 14 पॉइंट, यानी कि दोनों के पास बराबर बराबर पॉइंट्स हैं। चलो मैं आपको ये भी हाल हाथ के हाथ अब बताता रहूँगा, साथ साथ मुझे दिखता रहेंगे। नेक्स्ट मैच की तरफ मूव कर जाते हैं हम फटाफट से, और ये मिडिल ईस्ट का मैच है ग्लॉस्टरशायर के बीच। मैच के बाद आपको पॉइंट्स पर मैं ले चलूँगा फटाफट से। मिडिल ईस्ट वर्सेस ग्लॉस्टरशायर, ठीक है
मैं आपको बता दूंगा फटाफट से कि पॉइंट क्या रहे हैं टीमों के। बात कर लेते हैं फटाफट से मैच की। तो मैच में कुछ हाल ऐसा रहा है कि मिडिलक्स ने बनाए 210 रन, ऑल आउट हो गई पूरी टीम, 80.5 ओवर का खेल खेला है। दोनों ओपनर्स ने निराश किया है एक बार फिर से मुझको, और जब ओपनर्स निराश करते हैं तो मुझे बड़ी पर्सनली निराशा होती है। ओपनर्स दोनों जो हैं वो टेंस डबल डिजिट पे आउट हुए हैं, फर्स्ट राउंड में डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर कहीं एक जाके हाफ सेंचुरी मिडिल ऑर्डर में, फिर डबल डिजिट, फिर 20, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक। तो कुल मिलाकर के 76 हाईएस्ट है 149 बॉल में 10 चौकों की मदद से। और ये है रॉबिन वाइट की नॉट आउट, नहीं रॉबी वाइट की नॉट आउट पारी। चलिए 26 में से वाइट के और नो बॉल का कुछ नहीं है, यानी कि 26 के 26 जो हैं वो आलस के रन हैं। बॉलिंग की तरफ रुख डालेंगे तो एकमात्र बॉलर 10 ओवर 10 कुछ ओवर 6 मिनट 31 रन 5 विकेट लिए हैं पाइने ने। ये बढ़िया बॉलिंग भी करते हैं, ये बढ़िया बैटिंग भी करते हैं। बात करते हैं सेकंड इनिंग मैच की, और वो है फर्स्ट इनिंग ग्लोस्टर शायर की, 273 पर ऑल आउट हो गई, 87.2 ओवर का खेल खेला। ओपनर्स ने फिर निराश किया, 30s एक डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 50, फिर सिंगल डिजिट, फिर 50, फिर 40s, फिर डबल डिजिट, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट और सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के भाया हाईएस्ट बनता है 76 75, 143 बॉल में 9 चौके और 1 छक्का भी पड़ा हुआ भैया। ये देख के अच्छा लगा मुझे, 1 चौका भी, 1 छक्का भी लगाया है इन्होंने। और ये हैं जेम्स ब्रेसी। ओके अब बात कर लेते हैं दानवा की। तो दानवा में मिले 9 9 में से दान का तो कुछ भी नहीं है भैया, नहीं है, नो बॉल के 4 हैं, बाकी 5 आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ रुख कर लेते हैं पाया, तो भैया हमको चला रहे एक बॉलर, एकमात्र बॉलर, 15 ओवर 1 मिडन 3 मिडन 64 रन और 3 विकेट निकाले हैं इन्होंने। और ये नाम आता है मार्टिन एंडरसन का। वाह, ये जेम्स एंडरसन के प्राता सी तो नहीं है। खैर मैच की तीसरी इनिंग और दूसरी इनिंग आती है मिडिलक्स की, 152 पर ऑल आउट हो गई, 51.1 ओवर का खेल खेला है। ओके दोनों ओपनर ने निराश किया है, सिंगल डिजिट और एक हाफ सेंचुरी फर्स्ट डाउन में, फिर सिंगल डिजिट डक, सिंगल डिजिट 40s, डबल डिजिट डक, डबल डिजिट सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के एक हाईएस्ट 52 रन 100 बॉलों में 6 चौकों की मदद से। और ये है गबिंस की यह बैटिंग है। 8 में से दान का कुछ नहीं है, सारे के सारे आलस के रन है। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं, 17 ओवर 5 मिनट 56 रन दे और 6 विकेट लिए हैं पायने ने। भाई पायने ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में। बात कर लेते हैं मैच की चौथी इनिंग आखिरी इनिंग, और ये है ग्लोस्टर शायर की, 93 रन 3 विकेट 26.2 ओवर, हाईएस्ट की कोई बात नहीं करेंगे। एक्स्ट्राज में जो हैं वो 2 हैं, यानी कि दोनों के दोनों आलस हैं। विकेट 2-3 जो गिरे उसमें से 2 लिए हैं, 9 ओवर 3 मिडिन 35 रन दे करके 2 विकेट लिए हैं। ईथन बम्बर ने ओके, और ये मैच जो है 7 विकेट से इस तरीके से झोली में आ गिरा है ग्लोस्टर शायर के। चलिए ये अच्छा है। बात कर लेते हैं पॉइंट सिस्टम जो मुझे आपको बताना था, तो वो कुछ ऐसा है, ग्लोस्टर शायर के हो जाते हैं 21 पॉइंट इसके साथ, और मिडिलक्स के पास मात्र 4 पॉइंट ही, 6 पॉइंट। इतना पॉइंट लेकर किधर जाएगा रे बाबा, बता ना साईं किधर जाएगा रे तू। अब आते हैं इस दिन के, बचते हैं हमारे पास 3 मैचेस और समय हमारे पास बचता है आधा घंटा। अगर ये 3 मैचेस जल्दी ख़त्म हो गए तो हम अगली तारीख पर भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए वॉक, ये मैच WW के बीच है, मतलब वॉरविक शायर वर्सेस वॉरकेस्टर शायर के बीच ये मैच है। पॉइंट सिस्टम इसमें मुझे नहीं नज़र आ रहा है, सॉरी, तो इसका पॉइंट मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। तो ऑल दो मैं अब आप बोलें कि मैं जाऊँ क्या उसको कहते हैं
टूर्नामेंट का लिस्ट में जाऊं जो पॉइंट टेबल होता है, तो भैया ना बाबा ना, वो हम बाद में जाएगा, उसका कोई फायदा है नहीं। चलिए तो फटाफट से मैच पर रुख कर लेते हैं। वॉरविक शाह ने पहले खेला, 343 पर ऑल आउट हो गई, 117.2 ओवर का खेल खेला, एक ओपनर ने निराश किया है डबल डिजिट और एक ओपनर ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया, सेंचुरी मार दी है, फिर 30s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट, फिर एक और सेंचुरी है, फिर एक 20s है, फिर डक है, फिर 20s है, फिर सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो भाई ये दो सेंचुरी पड़ी हैं, इसमें से 3 रन से बाजी मारी है, 104 रन 229 बॉल में 14 चौकों के साथ। और ये रॉबर्ट याटेज हैं, याट्स बोलें कि याटेज बोलें, ओके सॉरी। अब 22 में से 10 नो बॉल के हैं, बाकी 12 जो हैं वो आलस के रन हैं, यानी कि एक्स्ट्राज हैं, कुल मिलाकर 22 एक्स्ट्रा बनते हैं। बॉलिंग की तरफ अब अपना रुख करें तो एकमात्र बॉलर 20 कुछ ओवर 6 मेडिन 70 रन 3 विकेट, और ये हैं बर्नार्ड, बर्नार्ड की ये बॉलिंग है। मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग है वॉरकेस्टर शायर की, तो 364 पर 8 पर डिक्लेयर किया उन्होंने 113 ओवर खेल के। ओपनर्स ने एक ने निराश किया है डबल डिजिट, एक ने हाफ सेंचुरी, फिर फर्स्ट डाउन 20s, फिर एक हाफ सेंचुरी, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर 50, फिर डबल डिजिट और फिर सिंगल डिजिट। कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं 87 रन 211 बॉल में 12 चौकों की मदद से, और ये है हाइंस, जैक हाइंस की ये बैटिंग है। 15 में से वाइड के हैं 3, बाकी बचते हैं 12, वो हैं आलस के रन, कुल मिलाकर होते हैं 15 एक्स्ट्रास। सभी बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया, एक बॉलर ने कहा नहीं मैं एक से ज़्यादा लूँगा, मुझे एक से कुछ हुआ नहीं, तो 2 विकेट यही हाईएस्ट है। 12 ओवर 2 मेडन 39 रन 2 विकेट, और ये हैं रूडीज ही समझ लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 2 7 विकेट गिरे थे 8, यानी कि एक रनआउट ने भी अपने खाते में लिया है। तो चलिए बात करते हैं अब आखिरी इनिंग जो कि है तीसरी इनिंग मैच की, 70 पर 3 25 ओवर, और ये मैच इन्होंने छोड़ी में जीत लिया क्या? मैं कंफर्म कर देता हूँ, नहीं जी भाई, ये मैच इसी के साथ डरान हो गया, डरान डान में क्या बात करते हैं, एक और एक का एक जो आलस, बॉलिंग में 3 विकेट गिरे थे जिसमें से बैटिंग में जिसमें से 2 लिए हैं 6 ओवर में 22 रन दे करके, और ये हैं अल्जारी जोसेफ, वाह भाई वाह, इनको भी मौका मिल गया इधर खेलने का। तो कुल मिलाकर ये मैच जहाँ डरा जाता है डरान। चलिए जी बचते हैं इस तारीख के दुई मैचेस। तो पहला जो ये मैच पहला है ये जो दो मैचेस में से सेकंड लास्ट इस दिन का लंकाशायर नहीं सरे के साथ। तो देखिए भैया इसमें पहली इनिंग हुई, लिस्टर शायर ने खेला, 496 पर ऑल आउट हो गए, 141.2 ओवर, एक ओपनर ने तो बहुत अच्छा किया सेंचुरी मारी, एक ओपनर ने निराश कर दिया सिंगल डिजिट, फर्स्ट डाउन ने भी बढ़िया किया सेंचुरी मारी, फिर 30s है, फिर डबल डिजिट, फिर एक और सेंचुरी, वाह भाई वाह, तीन तीन सेंचुरी एक मैच में, फिर सिंगल डिजिट है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर एक डबल डिजिट 20s है, फिर डक है, फिर सिंगल डिजिट है। अब हाइएस्ट की बात अगर करते हैं तो ये बाजी मारी है 112 रन 221 बॉल में 16 चौकों के साथ, और ये सैमुअल एवंस हैं। ये बात करते हैं तो भैया जी 23 में से दान के जो हैं वो 8 नो बॉल की हैं, मतलब उसके बाद बचते हैं बाकी जो है वो आलस के रन हैं। कैलकुलेशन खुद कर लें, मैथ मेरी बहुत कमज़ोर थी, इतना लंबा गैप नहीं मैं जान पाता। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं, 40 कुछ ओवर 20 3 मेडियन 100 रन के आसपास कुछ 6 विकेट लिए हैं, वो हैं अमर वर्दी। और इसी के साथ इस मैच के दूसरी इनिंग, और ये है सरे की फर्स्ट इनिंग, 324 पर ऑल आउट हो गई, 27.5 ओवर का खेल खेला,
दोनों ओपनर्स ने दिल खुश कर दिया, एक ने हाफ सेंचुरी एक ने सेंचुरी, फिर फर्स्ट डाउन ने निराश किया है, डबल डिजिट फिर थर्टीज़, फिर डबल डिजिट और फिर डाक। तो कुल मिलाकर हाईएस्ट बनते हैं 119 रन 247 बॉल में 16 चौकों के साथ, और ये बनते हैं स्टोन मैन ने स्टोन वाली पारी खेली है सेंचुरी वाली, 25 रन में से 9 बॉल का है 10 और वाइड का है 11, बनते हैं बाकी बचते हैं 11 इधर हो गए, मैथ खुद लगा लीजिए, 14 रन आलस के होते हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ नजराना करते हैं तो 24 ओवर 7 मिनट 60 रन और 5 विकेट, और यह है क्रिस राइट की बॉलिंग, और इस मैच में आपको हैरानी होगी कि सिर्फ दो ही इनिंग हुई और मैच ड्रॉ हो गया, सोचिए कितना लंबा खेल लिया इन दोनों ने कि मैच ड्रॉ हो गया। ओके आखिरी मैच इस डे का, और इसमें भी मुझे दो ही इनिंग नज़र आ रही हैं, चलिए, और ये है यॉर्कशायर वर्सेस कैंट का मैच है। ओके तो ये मैच जो है कैंट ने पहले खेला, 305 पर ऑल आउट 111.3 ओवर का खेल खेला है, एक ने ओपनर्स ने फिर निराश किया, एक ने सिंगल डिजिट और एक ने ट्वेंटीज, फर्स्ट राउंड ने दिल खुश कर दिया 90s, इसके बाद सिंगल डिजिट, फिर एक 40s, फिर एक 30s, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक 40s, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक 20s, फिर एक सिंगल डिजिट, तो कुल मिलाकर हाईएस्ट स्कोर बनते हैं 171 बॉल में 13 चौकों की मदद से। और भाई ये तो है जैक क्वर्ली, ये तो कमाल है। ओके 16 में से 9 बॉल के हैं भैया 4, बाकी बचते 12 जो है वो आलस के रन हैं। बॉलिंग की तो भाई बॉलिंग में ऐसा है कि 22 ओवर 4 मिनट 53 रन 3 विकेट, और ये है ब्रेंट कोट की बॉलिंग। तो इसके बाद आती है मैच की अब दूसरी इनिंग्स, और ये कहती है यॉर्कशायर की 321 पर ऑल आउट हो जाती है और 105.3 ओवर का खेल खेलते हैं। ये ओपनर्स पूरी तरह से निराश किया है, 20s और सिंगल डबल डिजिट, फिर एक 90s है फर्स्ट डाउन ये अच्छा लगा, फिर एक 40s है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, सिंगल डिजिट है और 30s और सिर्फ सिंगल डिजिट है, ये है लेखा जोखा। हाईएस्ट बन जाते हैं 96 201 बॉल में 14 चौके एक चक्कर के साथ, और ये है बैलेंस वाली तो नहीं कहेंगे क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा है रन कम है, बट बैलेंस ही हम कहेंगे क्योंकि टेस्ट मैच में ऐसा होता है और ये ज़रूरी भी है। 12 में से 10 तो 9 बॉल का ही दे दिया भैया, 2 ही बॉलर्स के रन मिले, ये तो एक्स्ट्रा ज़्यादा दे दिया आपने। बॉलिंग की गल करेंगे बॉलिंग की तो 18 ओवर 3 मिनट 74 रन 4 विकेट, और ये हैं नाथन गिलक्रिस्ट तो नाम नहीं इनका, अरे गिलक्रिस्ट नाथन गिलक्रिस्ट भैया गिलक्रिस्ट के भाई भाई हो क्या। खैर तो इस मैच में भी दोनों इनिंग हुई और ये मैच भी डरान हो गया डरान। 13 मई के मैचेस पर अगर हम नज़र डालें तो इस दिन मैचेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं क्या मुझे, आई विल चेक आउट 1 2 3 4 5 6, ठीक है आज हम इस तारीख के भी मैचेस को निपटा ही देते हैं, मैं समय चेक कर लेता हूँ। अब मेरी घड़ी बता रही है अभी हमारे पास आधा घंटा, तो ये 6 मैचेस हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि देखिए मैचेस ख़त्म करने ज़रूरी हैं क्योंकि टूर्नामेंट्स नए आ जाते हैं, इसके बाद भी मैचेस हमारे पास हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, तो हम बात कर रहे हैं 13 मई की, 13 मई के पहला मैच है समरसेट का मैच है सरे के साथ। हुआ ये कि भाई साहब सरे ने पहले बैटिंग करी 206 पर 4 बनाए 68 ओवर में, ओपनर्स ने निराश किया है, एक ने तो हाफ सेंचुरी मार दी, दिल खुश हो गया है, एक ने डबल डिजिट बनाया है, एक ने 20s है, फिर एक 30s है, फिर एक डबल डिजिट है, फिर 20s है, इस तरह से ये स्कोर कार्ड बनता है और हाईएस्ट बनते हैं 55 जो कि ओपनर ने मारे 104 बॉल में 6 चौकों की मदद से, और ये रोडी बर्न्स जी हाँ जी एक और बेहतरीन इंग्लैंड के ओपनर प्लेयर कुछ भी आप कह सकते हैं। 28 में से दान के हैं सिर्फ 6, बाकी 22 हैं जो आलस के रन हैं,
इसके बाद बॉलिंग की तरफ रुख कर देते हैं। तो 22 ओवर 7 मेड इन 64 रन 2 विकेट लिए हैं लुइस ग्रेजॉय ने, ये भी कमाल है। और इसके बाद मैच हो नहीं पाया तो ये मैच ड्रा हो गया। चलिए अगला अगला मैच इस दिन का, फटाफट से बढ़ जाते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि है डरहम का मैच है, वॉर्केस्टर शायर के बीच खेला गया ये मैच है। डरहम ने बनाए हैं 264, ऑल आउट हुई है, 82.2 ओवर का खेल खेला है। एक ओपनर ने तो बहुत शानदार पारी खेली, 90 रन बनाए, एक ने निराश कर दिया सिंगल डिजिट, फर्स्ट डाउन भी सिंगल डिजिट, फिर 20s, फिर 20s, फिर डार्क, फिर सिंगल डिजिट, फिर 30s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के एक भाई साहब ने ही सिंगल जंग लड़ी है, 99 बनाए हैं 202 बॉल में 12 चौकों के साथ। और ये हैं लीस की बैटिंग, बात कर लेते हैं आगे बढ़ के। तो 30-30 में से बनते हैं 2 नो बॉल के, 2 वाइड के, 4 बाकी 26 आलस के रन हैं, आलस के। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग में 10 ओवर 10 कुछ ओवर 3 मेड इन 39 रन 5 विकेट। और ये हैं जॉश टंग की बॉलिंग, भाई कैसे कैसे नाम रख देते हो यार। सेकेंड इनिंग मैच की और फर्स्ट इनिंग, और ये है फर्स्ट इनिंग वॉर्केस्टर शायर की, 213 पर ऑल आउट हो गई पूरी टीम, 69.4 ओवर का खेल खेला। ओपनर्स ने निराश किया है सिंगल डिजिट और 20s, फिर 40s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, 40s, डबल डिजिट, 20s। तो मैं हाईएस्ट तो नहीं बताने वाला क्योंकि 2 40s में हैं, और 40s में हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए 40s में जो 2 लोग हैं उसमें से हाईएस्ट बनते हैं, 2 रन से बाजी मारी है उन्होंने, 95 बॉल में 44 रन 8 चौकों की मदद से। और ये है फेल, टॉम फेल की बैटिंग, दान के मिलते हैं 25 नहीं मिलते हैं, 9 बॉल के 4 हैं, बाकी बचते हैं 21, वो है आलस के रन, आलस दे रन है। अब बेस्ट गेंदबाजी की गल करेंगे आशी, तो 10 कुछ ओवर 5 मेड इन 56 रन 5 विकेट लिए हैं। और ये है रशवर्थ की बॉलिंग। ओके अब मैच दिस सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग और सेकेंड इनिंग है ये डरहम की, 389 पर 5 पर डिक्लेयर किया है 110.5 ओवर खेल करके। एक ओपनर ने निराश किया डबल डिजिट और एक ने सेंचुरी मार दी, दिल खुश कर दिया। फर्स्ट डाउन निराश, 20s, फिर 20s, फिर एक और सेंचुरी है मिडिल ऑर्डर्स में, फिर एक 50 है, फिर एक सिंगल डिजिट है, मतलब कुल मिला करके 2 सेंचुरी। और इसमें से भी 1 रन से बाजी मारी है, 103 रन 252 बॉल में 13 छक्कों की मदद से आई। वर्ल्ड यंग की बारिंग है, यंग वाली पारी खेली उन्हें, यंग 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 ने लड़ी जंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं, 19 में से 2 नो बॉल के हैं, 2 वाइड के हैं, 4 15 जो है वो आड़स के रन है, आड़स दे। ओके बेस्ट बॉलिंग की तरफ बात करते हैं, तो 2 बॉलर जिन्होंने 2 2 विकेट लिए हैं क्योंकि 5 विकेट गिरे हैं। तो इकॉनमी के हिसाब से बात करेंगे तो 21 ओवर 3 मेड इन 59 रन दे करके बात करते हैं जॉस टंग की बॉलिंग की, आखिरी इनिंग मैच की, और ये सेकेंड इनिंग है वॉर्केस्टर शायर की, 164 बनाए हैं 60.2 ओवर में। ओपनर्स में एक ने तो बढ़िया किया 50 और एक ने 30s में रन बनाया, फिर सिंगल डिजिट है, फिर 20s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डक है, फिर डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, और फिर डक है। 5 में से 5 आलस के रन मिलते हैं। बस्ट बॉलिंग की तरफ बात करते हैं तो आती है 30 ओवर 6 मेड इन 52 रन 4 विकेट। और ये है क्रिस रशवर्थ है ये एक बार फिर मेरे ख्याल से, और ये जो मैंने स्कोर बताया था 164, इस पर ये पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और इस तरीके से 258 रन से ये मैच डर हमने जीत लिता। बढ़ जाते हैं हम अगले मैच की तरफ। ओके अगला मैच ये मुझे मिडिल एक्स का मैच लग रहा है, कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ ये मैच है मिडिल एक्स का, हैम्पशायर के बीच
समय मेरे कोल होनी काफी है, 20 मिनट कुछ है गए। चलो जी, तो मिडिलिक्स ने पहले खेला और 172 पर खत्म हो गई 68.1 ओवर में। दोनों ओपनर्स ने सहयोग किया है, 20 में स्कोर किया है। वाह, रिदम हो गया है तुम। फर्स्ट डाउन ने 50 मारी है, गुड है। फिर डबल, फिर डक है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर 20 है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डक है, फिर डबल डिजिट है, और फिर सिंगल डिजिट है, और फिर डबल डिजिट है। तो कुल मिलाकर के हाइस बनते हैं 51 रन। 51 रन, 51 रन 131 बॉल में 6 चाका के 7, और ये गमिंस की बैटिंग है। चलिए जी, बात करते हैं 3 रन, ओनली 3 रन, और तीनों की तीन आलस, यानी कि बॉलिंग बहुत बढ़िया कराया तुमने। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं इसी के साथ। बाद 10 को 6 ओवर 6 बैटिंग 44 रन 6 विकेट, और ये है कार्ल अबॉट। वाह भाई वाह, कार्ल अबॉट भी थे आ गए, बढ़िया बढ़िया। चलिए, मैच की फर्स्ट इनिंग हैम्पशायर की और सेकंड इनिंग मैच की, तो 208 पर ये ऑल आउट हो गई 77 ओवर खेल के। दोनों ओपनर से बहुत गंदा वाला निराश किया, एक ने सिंगल डिजिट और एक ने डक। फर्स्ट डाउन में निराश है सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर एक हाफ सेंचुरी है मिडिल ऑर्डर्स में, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर एक हाफ सेंचुरी है लोअर ऑर्डर में, और फिर सिंगल डिजिट, और फिर सिंगल डिजिट, और फिर डक। हाइएस्ट बनते हैं 84 रन 116 बॉल में, 9 चौके और 4 छक्कों के 7, 4 छक्के में, वाह। और ये ब्रेकर की बॉलिंग है, बैटिंग है। एक्स्ट्राज में मिलते हैं 16, 16 में दो दो और दो वाइड के, 6 नो बॉल के 8 होते हैं पापा जी मम्मी जी, और बाकी जो बचते हैं 8 रन, यानी 8 8 नहीं होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं ना, हाँ नहीं 6 2 8, हाँ 8 होते हैं। तो वो 8 जो हैं वो बनते हैं आधे रन आलस के। अब बॉलिंग की गल कर लेते हैं हूँ ना हसी, तो बॉलिंग में देखिए जी, दो बॉलर ने 3 3 विकेट निकाले हैं, 91 से .2 से बाजी मार ली है, 20 ओवर 5 मिनट 55 रन, 3 विकेट ले लिए हैं, और ये है ईथन बम्बर की बॉलिंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये है मैच की तीसरी इनिंग और सेकंड इनिंग मिडिलक्स की। 101 पर ऑल आउट, ये 29.5 ओवर बेटा, ODI नहीं चल रहा था, T20 नहीं चल रहा था, जल्दी घर जाने का कुछ नहीं था, इतनी जल्दी क्यों चले गए। ओपनर्स निराश, सिंगल डिजिट्स, फर्स्ट डाउन भी सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट कहीं जाके मिल रहा है, फिर सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, डक। तो भैया हाइएस्ट कुछ मिला के बनते हैं 24 रन, 12 बोलों में 4 जो हुए 7, ये हाइएस्ट होता है। हैंड्सकॉम की बैलिंग है ये, हैंड्सकॉम, ये ऑस्ट्रेलियन हैंड्सकॉम लग रहे हैं। यस पीटर हैंड्सकॉम, भाई तुम निराश करोगे, हैं बोलो। देखिए 8 रन में से दाने का कुछ नहीं है, सारे के सारे आलस के रन। बॉलिंग की गल कर लेते हैं फटाफट से, तो 9.5 ओवर 2 मिनट 41.5 विकेट काइल अबॉट, भाई इतनी तेजी से तुमने आउट किया पूछो मत, ODI का परफॉर्मेंस दिया तुमने बॉलिंग में। चलिए मैच की आखिरी इनिंग और सेकंड इनिंग, हैम्पशायर 66 पर 3, 15.3 ओवर का खेल खेला है, 3 रन मिले हैं दाण के, दाण के, दाण के, दाण के, दाण के नहीं आलस के। मैच में जो है काम हुआ है, ओपनर से शुरुआत करते हैं। ओपनर्स ने एक ने निराश किया सिंगल डिजिट, एक ने 20 बनाया, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक डबल डिजिट, और बस बॉलिंग की तरफ बात कर लेते हैं। 3 विकेट गिरे थे जिसमें से 3.3 ओवर 29 रन 2 विकेट, और ये है टिम मुर्ग, और इस तरीके से ये मैच जो है वो जीत लिया है। किसने किसने जीता बताइए आप, ये मैच जीता है हैम्पशायर ने 7 विकेट से। चलिए जी, मैच जीत लिया, 2 मैच बचते हैं, नहीं अभी भी 3 मैच बचते हैं इस दिन के, मुझे लगता है ये आखिरी दिन होना चाहिए आज के शो का। चलिए खैर, कुल मिलाकर ये मैच आ जाता है हमारा ग्लैमॉर्गन वर्सेस यॉर्कशायर के बीच खेला गया ये मैच। फटाफट से देख लेते हैं, ग्लैमॉर्गन ने पहली इनिंग खेली और 149 पर ऑल आउट हो गई 53.5 ओवर का खेल खेला है। सिंगल डिजिट 30s, डबल डिजिट 20s, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डक 20s, 20s, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। आपको कुछ हाइएस्ट नज़र आया? मुझे नज़र आया केवल एक 30s, 31 बॉल्स,
31 रन, 17 बॉल, 4 चौकों के साथ, और यह है डेविड लॉयड की बॉलिंग। भाई इनका डोमेस्टिक बहुत ही अच्छा गया है। अब भी आज ये बेटे ना हो बस डेविड लॉयड क्लाइड लॉयड के, खैर अब कह नहीं सकते कुछ। देखिए 9 में से कोई भी दान का नहीं है, सारे के सारे आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, 2 बॉलर जिन्होंने दो तीन तीन विकेट निकाले हैं, इकॉनमी से बाजी मारी है, 8 ओवर 2 मिडिन 15 रन दे करके, और ये है हारी ब्रुक की बॉलिंग। मैच की सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग है वॉरविकशायर की 228 पर ऑल आउट हुई है, 75.3 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स ने बहुत गंदा निराश, फर्स्ट डाउन में भी निराश किया। मैं बता देता हूँ, डक सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट, ये है पहले 3 बैट्समैन का कारनामे। फिर 90s में स्कोर मिलता है, फिर डबल डिजिट मिलती है, फिर 20s मिलती है, फिर डक मिलता है, फिर मिलता है डबल डिजिट, और फिर मिलता है सिंगल डिजिट, फिर मिलती है 40s, फिर मिलता है डक, और इस तरीके से हाईएस्ट बन जाते हैं 99 रन 199 बॉल्स में, 6 चौकों के साथ। जो रूट, जी हाँ जी, जो रूट की फाड़ी, तो जो रूट ने भी खेल लिया डोमेस्टिक सीजन, गुड। 28 में से 9 बॉल के 2 हैं, बाकी बचते हैं 26, वो आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की तरफ रुक करते हैं, 15 ओवर 5 मिनट 39 रन 5 विकेट, और ये नेसर की बॉलिंग है। अब मैच की आखिरी इनिंग, और यह है मैच की तीसरी इनिंग। अब ग्लेनमॉर्गन की तरफ से ही, और बनाए हैं 164 रन 4 विकेट के नुकसान में, 40 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स ने निराश किया, सिंगल डिजिट और 40s में स्कोर्स हुआ है, इसके बाद सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर सिंगल डिजिट है, और ये जो हाईएस्ट है वो 88 है 84 बॉल में 13 छक्कों के साथ, और ये है कार्लसन, किरण कार्लसन, नॉट आउट पारी खेली है। नौ जो है वो आलस के हैं, दान का कुछ भी नहीं है। अब बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं, हाँ ही तो एकमात्र बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, 9 ओवर 3 मिनट 16 रन 2 विकेट, और ये हैं कॉड की बॉलिंग, बेन कॉड की बॉलिंग। इस तरीके से ये मैच डरान हो जाता है, डरान। चलिए आखिरी के 2 मैचेस बचते हैं इस तारीख के, ओके। तो ये मैच है कैंट का मैच है ससेक्स के साथ। पॉइंट सिस्टम नहीं मिल रहा मुझे, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, कैंट ने पहले बैटिंग करी, 145 पर ऑल आउट हो गए, 54.3 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स ने निराश किया है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट सिंगल डिजिट फर्स्ट डाउन, फिर हाफ सेंचुरी, फिर सिंगल डिजिट डक, सिंगल डिजिट डबल डिजिट सिंगल डिजिट डक। भाई ये तो रिदम हो जाती है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट सिंगल डिजिट डबल डिजिट डक, डिंटी डिन डिंटी डिन डिन। चलिए हाईएस्ट 63 बनते हैं, 128 बॉल्स में 8 चौकों की मदद से, और ये है लिनिंग्स, जैक लिनिंग की बैटिंग। डाल में 18 में से 5 9 बॉल के 2 आलस के बनते 7, बाकी बनते 11 तुम्हारा जो है वो फोकट के रन है, फोकट के मुफ्त के। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं, हाई 2 बॉलर ने जिन्होंने थिन थिन विकेट निकाला, बेस्ट बॉलिंग बनती 18 ओवर 4 मिनट 29 रन दे करके, और ये बनती है रॉबिन्सन, ओली रॉबिन्सन। बहुत बढ़िया डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आपका अभी तक मुझे नज़र आया है। चलिए बात करते हैं मैच की दूसरी इनिंग, और ये है मैच की दूसरी और टीम की ससेक्स की पहली इनिंग। 266 पर ऑल आउट, 76.3 ओवर का खेल, ओपनर ने निराश किया, 20s और डबल डिजिट, फर्स्ट डाउन ने खुश कर दिया, हाफ सेंचुरी, फिर है डबल डिजिट, फिर है 40s, डबल डिजिट नहीं 20s है, फिर 40s है, फिर 30s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर 20s है, तो कुल मिलाकर के हाफ सेंचुरी जो है वो 52 रन बनते हैं, और ये बनते हैं 83 बॉलर्स में 8 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये है जाई की बैटिंग। 24 में से दान के हैं सिर्फ 8, वो भी 9 बॉल के, बाकी बचते हैं कितने, 16 रन जो है वो आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो एकमात्र बॉलर
10 कुछ ओवर, 4 मेड इन, 54 रन, 4 विकेट। और ये है मैथ्यू होगार्ड, नहीं बोलिएगा, ये है मैथ्यू क्विन, मैथ्यू क्विन है। मैथ्यू होगार्ड याद भी है आपको? मुझे तो याद है अच्छे से। एंड्रू फ्लिंटॉफ याद है? मुझे तो अच्छे से याद है। पॉल कॉलिंगवुड याद है? मुझे तो अच्छे से याद है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं मैच की आखिरी इनिंग की, और ये है तीसरी इनिंग। वो है केंट की सेकेंड इनिंग, 387/4, 111 ओवर का खेल। ओपनर्स ने निराश कर दिया मुझे फिर एक बार, 20s और डबल डिजिट, नहीं 20s और डबल डिजिट। फिर फर्स्ट डाउन ने खुश कर दिया, 7 सेंचुरी। फिर सेकेंड डाउन ने तो बहुत ज़्यादा ही खुश कर दिया, 22 सेंचुरी मार दी है। फिर एक हाफ सेंचुरी है, फिर डबल डिजिट है, और इस तरीके से हाईएस्ट बनते हैं 127, 263 बॉलों में 8 चौकों की मदद से। और ये जैक लीनिंग की नॉट आउट पारी, 39 में से 9 बॉल के 6 हैं और वाइट का 1 है, 6-1-7, बाकी आलस के रन हैं। मतलब कितना ज़्यादा आलस के रन बांट रहे थे आप, किसी भगवान वगैरह ने किया प्रसाद चढ़ाना दूसरी वाली टीम को। ओके, बेस्ट बॉलिंग की गल कर देते हैं असी, तो भैया बेस्ट बॉलिंग में सबने एक एक विकेट निकाला है। हैं, 1 सेकंड, विकेट गिरे कितने? 4 विकेट गिरे, तो 1 2 3 4, 4 बॉलर ने एक एक विकेट अपनी झोली में ले लिया। इकोनॉमी से गल करेंगे अब तो मुझे नज़र आ रहा है एकमात्र बॉलर, वो है 5 ओवर में 44 रन दे 14 रन दे करके विकेट लेने वाला नहीं है ये। ये है 24 ओवर में 5 मिनट 53 रन, 1 विकेट लेने वाला, और यह है ओली रॉबिन्सन। भाई ओली रॉबिन्सन आपकी कमाल ही करिए, ये मैच भी डरान हो गया, डरान। चलिए आखिरी मैच इस दिन का, इसके बाद अगले दिन पर हम भी चल देंगे, क्योंकि उस दिन में आपके लिए कुछ स्पेशल है। क्या है सबर करिए, बताते हैं फिलहाल इस मैच पे देख लें बैठे हैं। तो ये है एसेक्स का मैच है, डर्बी शायर के बीच खेला गया मैच है। एसेक्स के पास कितने पॉइंट हैं और डर्बी शायर के पास, ये मैं आपको मैच के अंत में अब कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स वापस आ गए हैं। अब बैक हैंड पर टीम काम करती रहती है, मुझे डाटा पहुंचाती रहती है, अच्छे लोग हैं। चलिए, एसेक्स की पहली इनिंग 412/3 डिक्लेयर 76 ओवर में, मतलब आप सोच रहे हैं 76 ओवर में 400 रन, गजबी है, गजबी है। ओपनर्स ने दिल खुश कर दिया था, दोनों ने 5 सेंचुरी, फिर एक फर्स्ट डाउन में सेंचुरी, फिर एक सेकंड डाउन में 150 रन, फिर एक डबल डिजिट, और 150 ही हाईएस्ट है। 133 बॉलों में 152 रन बनाए हैं, 16 चौकों के साथ, साथ में 6 छक्के भी मारे हैं। और ये है लॉरेंस की नॉट आउट बाई, 25 में से 18 तो नो बॉल फेंकी है, 2 वाइड की, यानी 20 रन तो आपने सीधे सीधे दान के दे दिए हैं। तो टेस्ट मैच में ऐसा करोगे, मतलब आप समझ रहे कितना एक्सट्रीम, 2 वाइड, कितनी बाहर बॉल फेंकी है। चलिए बात करते हैं बॉलिंग की फटाफट से। तो एक मास बॉलर मुझे नजर आ रहे हैं, 17 ओवर 2 मिनट 91 रन, 2 विकेट, और ये है स्टैन लेके की बॉलिंग। मैच की सेकेंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग है डर्बी शायर की, 146/56.5 ओवर में खत्म हो गई टीम। यह कैसा चल पाएगा, कैसा चल पाएगा रे बताऊ। ओपनर्स ने राशि है सिंगल डिजिट्स, फर्स्ट डाउन में 40s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 20s, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक, फिर डबल डिजिट, और इस तरीके से हाईएस्ट रन बन गए हैं 49 रन, 116 गेंदों में 4 चौकों के साथ, और ये बनाए हैं ब्रेंडम गोस्ट ने, गेस्ट ने, गेस्ट नाम इनका, ओके ब्रूक गेस्ट है इनका नाम, ब्रूक गेस्ट, वाह भाई वाह, गेस्ट ही नाम रख दिया है, बहुत बढ़िया कि गेस्ट आकर के परेशान ना करें। चलिए, 8 में से
कोई भी दान का नहीं है, सारे के सारे आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग की गार, ओ माय गॉड, 20 ओवर, 9 9 मिनट, 18 रन और 9 9 विकेट। हार्मर भैया, एक विकेट तुम भी ले लेते, क्यों किसी और को लेने दिया, या किसी और ने क्यों ले लिया, इन्हीं को ले लेने देते। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली इनिंग की तरफ रुख कर दे हैं आशी, और ये है मैच की आखिरी इनिंग और तीसरी इनिंग, और ये है डर्बीशायर 251 पर ऑल आउट हो गई 92.4 ओवर। ओपनर से निराशी है, एक ने डक, एक ने 40, फिर एक फर्स्ट डाउन सही है 50, फिर एक 30, फिर 30, फिर 20, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट और फिर सिंगल डिजिट, और जो मैंने लास्ट का सिंगल डिजिट बताया उसके बाद जो जितने तीन सिंगल डिजिट, तीनों ने 8 8 8 रन बनाए। मतलब माइंडवली करके आए थे, हमको 8 ही रन बना रहे हैं, हमको हमको बोला गया था अगर आप 8 बनाएंगे तो मैच जीत जाएंगे, बेटा ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं, बताओ दसो। तो भैया रन जो हाईएस्ट बनते हैं वो 65 रन बन पाते हैं कुछ, 141 बॉल में 7 चौकों 1 छक्कों के साथ। और ये है ब्रूक गेस्ट की एक बार फिर शानदार पारी। तो कुल मिलाकर के दोनों इनिंग में इसने कमाल किया है, 10 में से कोई भी दान का नहीं है, सारे के सारे आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो तीन बॉलर जिन्होंने तीन तीन विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी से बात करनी पड़ेगी। तो वो बाजी मारी है 19 ओवर 5 मिनट 41 रन दे करके जेम्स 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 प्रॉयर, ये इनका नाम है। और इस तरीके से ये मैच जो है वो 15 रनों से एसेक्स ने जीत लिया है, इनिंग और 15 रनों से। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा और अगर पुश कर लेते तो क्या पता मैच जीत जाते आप। तो आप देखते हैं भैया देर समय पास समय कितना बचा है, तो समय बचता है 4 मिनट और 1 तारीख और है जिसमें सिर्फ सिंगल मैच है, तो इस सिंगल मैच को भी हम खत्म कर देते हैं। 19 मई का मैच है, तो 19 मई को जो एकमात्र मैच खेला गया है वो खेला गया है हैम्पशायर वर्सेस लिस्टर शायर के बीच। तो देखिए हैम्पशायर ने बनाए हैं 233 पर ऑल आउट, 71 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स में से एक ने निराश किया है डबल डिजिट और एक ने हाफ सेंचुरी, एक ने 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 30s, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट और फिर डक और हाईएस्ट, इस तरह से बनते हैं 82 रन 136 बॉल में 13 चौकों के साथ। और ये बनते हैं होलैंड की बॉलिंग के साथ। ओके, इसके बाद बात करते हैं 17 रन, 17 में से 10 तो नो बॉल है भाई, इतना दान, 7 आलस के हैं। बेस्ट बॉलिंग के दो बॉलर्स ने 4 4 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी के हिसाब से बात होती है। तो 24 ओवर 4 मिनट 71 रन 4 विकेट राइट की ये बॉलिंग है। मात आती है अब मैच की सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग लिस्टर शायर की, तो 84 पर पूरी टीम ख़त्म हो गई 35 रन 5 ओवर में। ओपनर्स ने डक, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, 20, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट। तो मतलब कुल मिलाकर के एक भाई साहब ने सिर्फ 27 बनाए 54 बॉल में 9 चौकों 5 चौकों के साथ। और ये है ऋषि पटेल की बैटिंग। भैया भारतीय होने का थोड़ा सा गर्व हमको महसूस हो रहा है कि आपने अच्छा खेला है। 6 में से दान के हैं दोनों बॉल के, बाकी 4 बचते हैं आलस के। बॉयस बॉलिंग की बात कर लेते हैं, 14 ओवर 2 मिनट 47 रन 6 विकेट और कायल अबॉर्ड। भैया इनका तो कायल हो गया है, कायल हो गया हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने इस डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आखिरी की 2 इनिंग बच जाती हैं जिसमें से मैच की थर्ड इनिंग और सेकेंड इनिंग है हैम्पशायर की, जो कि 0 पे 0 डिक्लेयर कर दिया है भाई। मतलब क्या था ये क्या था, ओ माय गॉड। इसके बाद लिस्टर शायर 26 पर 1 17 ओवर में और 2 रन जो है, नहीं 8 रन दान में है, 8 में से दान के आलस के हैं।
एकमात्र विकेट लिया है 6 ओवर 3 मिलियन देकर, 6 रन देकर के, और यह काइल अबॉट का। तो मतलब ये सोच रहे थे कि काइल अबॉट के मैच जिता देंगे, बट हो नहीं पाया, मैच ड्रॉ हो गया। अब जब हम अगली बार आएंगे तो हम आएंगे 20 मई के मैचेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। 20 मई में मैचेस मैं बता देता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैचेस हैं। और तो हम खबर कर सकते हैं, बट हमारा समय जो है वो पूर्ण हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम 20 मई के मैचेस पर हम नज़र डालेंगे। तो हो चुका है पूरा 1 घंटा, थोड़ा सा समय लूँगा आपका, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। शो छूट गया हो, कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप अपने आस पड़ोस को, अभी फ़ोन मिला के कहिए कि कोरोना कहीं गया नहीं है, थर्ड वेव आने का पूरा इंतजार है, घर पर रहिए, मास्क पहन के रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए। इसके अलावा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, रेडियो रान से कुछ कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है हम लोगों ने, ट्विटर भी खोल रखा है, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, सब खोल रखा है, बस अब आइए तो सही, जहमत तो करिए बात करने की। इसके अलावा मुझसे और मेरा से और कंटेंट चाहते हैं भर भर के, तो यूट्यूब पर एक चैनल है दानोखा शो, न्यूज़ एंड पॉलिटिकल सटायर करता हूँ, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप में कोई टैलेंट है तो रोज़ का डोज नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर मुझे कंटेंट भेज सकते हैं, हम आपका कंटेंट वहाँ पर जरूर लगाएंगे। तो बस अब क्या है, एंटरटेनमेंट का जरिया लीजिए, रेडियो वन सुनिए, कुछ भी एंटरटेन करिए, बट बस लाइफ को अच्छे से जीजिए, जिए, बाहर ना जाएं, कोरोना ना लेके आए अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, बस इतना मैं कहूँगा। अभी मैं निकलता हूँ, मिलूंगा कल रात 10 बजे वापस से लेट्स प्ले टॉप 10 गेम शो में, इसे आप खेल सकते हैं लेट्स प्ले लाइव गेम शो यूट्यूब चैनल पर भी, और रेडियो पर व्हाट्सएप के थ्रू भी सुनकर खेल सकते हैं। तो बस कल मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय।